हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि भटकी दाल की रेसिपी है। तो उससे पहले हम जब शुरुआत करते हैं रेसिपी की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके दाल के फ़ायदे क्या क्या हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भटकी दाल खाते हैं, काफ़ी लोग नहीं खाते क्योंकि ये पहाड़ों पर ज़्यादा मिलती है। तो भटकी दाल सर्दियों के मौसम के लिए ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है और सबसे ज़्यादा सर्दियों में ही यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके शरीर को गर्म रखते हैं। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि इसको खाने से ना हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और जो लीवर और डायबिटीज़ है और आपकी इम्यूनिटी है, इससे जितनी भी जुड़ी समस्याएं हैं आपकी वो नहीं होती आपको अगर आप भटकी दाल खाते हैं। तो जिसके कारण पहाड़ी लोग जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है सर्दी भी बहुत होती है और उनको इम्यूनिटी की और हड्डियाँ मजबूत उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाती है। तो ठीक है, फिर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया और अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको ओवरनाइट सोक करने के बाद, मतलब पूरी रात हमने भिगो के रखा, और उसके बाद अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा पीसना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और अब देखो थोड़ा वाइट वाइट कलर में दिख रही है। और इसमें मैं लहसुन डालूँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस लहसुन डाल रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ जखिया, इसको बोलते हैं जखिया। ये भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, इसका हम तड़का लगाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, पहाड़ों पे ज़्यादा मिलता है ये। और लोहे की कढ़ाई, स्पेशली लोहे की कढ़ाई में इस दाल को बनाया जाता है। तो लोहे की कढ़ाई ली है मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया, गर्म हो गया, और मैंने जखिया डाल दिया है, और मतलब ये जीरे वाला टेस्ट ही आता है। और फिर लहसुन डाल रही हूँ, बस मैं लहसुन को मतलब मैंने पीस लिया है, और पीसने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप लोग इसी में हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो ऐड ऑन कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें ग्राइंड भी कर सकते हैं साथ में, जैसे दाल के साथ ही डाल दो, जब भी ग्राइंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। फिर दाल भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और देखो कितना अच्छा मतलब कलर आ रहा है इसमें। और अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, ये गाढ़ी हो जाती है। और इसमें पानी अलग 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 टाइप का ना रहे, मतलब पानी अलग और दाल अलग इस टाइप की ना रहे। तो इसमें हम थोड़ा सा जो चावल होता है ना, चावल पिसा हुआ, तो वो ऐड करते हैं। अभी मैंने मिर्च और हींग डाला है और नमक डाला है, और ये देखिए ये अच्छे से पक चुकी है। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा पतली हो रही है, तो अगर अलग अलग हो रही है तो चावल का आटा जो होता है उसको अच्छे से पेस्ट बना के उसको मिक्स करिए, बहुत टेस्टी बनती है और अच्छा गाढ़ा गाढ़ा मतलब बनती है, बहुत यम्मी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है चावल के साथ ये दाल। तो रेडी हो गई हमारी मतलब दाल नहीं बोलते इसको, वैसे भटकी चुरखानी बोलते हैं इसको। तो हमारी चुरखानी रेडी हो गई है, आइए आप लोग भी खाइए। तो रेडी है प्लेट, और प्लीज़ आप लोग जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।